इसमें शुरू करते हैं, के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा बना। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलिए। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी चावल ली है जो मोटे चावल है, और यहाँ पे आधी कटोरी हमने चने का दाल लिया है, आधी कटोरी हमने उड़द की दाल ली है। भुस्का बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है, उसमें हम एक कटोरी चावल डाल रहे हैं, उसके बाद आधी कटोरी चने का दाल, आधी कटोरी उड़द की दाल। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे 4 से 5 पानी से। हमने इसे देखिए अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम 4 घंटे तक भिगो देंगे पानी में। अब इसे हम 4 से 5 घंटे तक भिगो के रख देंगे ताकि अच्छे से जो दाल और चावल है वो अच्छे से फूल जाए। दाल चावल को भिगाया, 4 घंटे हो गए हैं, ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। इसे हम थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। सब ग्राइंड कर लेंगे। जो दाल चावल हम पीस रहे हैं उसमें हम 5 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक को एक साथ दाल में डाल के चावल के साथ इसे भी पीस लेंगे। और हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारा, तो यहाँ पर देखिए सारे बैटर को हमने पीस दिया है। यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारा बैटर है उसे हम बिल्कुल भी दरदरा नहीं पीसेंगे, एकदम स्मूथ पीसेंगे। थोड़ी देर तक ही मिक्सर चलाएंगे, ऐसे हम सभी को पीस लेंगे। इसे हमने पीस लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए, क्योंकि हम इसमें इनो भी नहीं डाल रहे हैं और सोडा भी नहीं डाल रहे हैं, इसलिए इसे फूलने के लिए हम आधे घंटे तक इसे ढक के रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से खमीर उठ जाए। गैस पे सबसे पहले हम ऑयल डाल रहे हैं इसमें। तेल है हमारा वो अच्छे से गर्म हो गया। अब हम डाल रहे हैं इसमें तेज पत्ते, आधा चम्मच जीरा, एक कटी हुई प्याज। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च भी डाल रहे हैं, 2 हरी मिर्च हमने काट ली है यहाँ पे। भून लेंगे। तो देखिए प्याज को हमने हल्का ब्राउन भून लिया है। अब इस स्टेज पे हम टमाटर डाल रहे हैं। यहाँ 2 टमाटर हमने कट कर लिए हैं। टमाटर को थोड़ा हम ढक देंगे। तो हम थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, क्योंकि जो टमाटर है थोड़ी जल्दी से गल जाएंगे, इसलिए हम नमक डाल रहे हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। तो ये टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, देखिए अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर। हम अच्छे से मसालों को भून लेंगे। हमने मसालों को भून लिया। यहाँ हमने 4 आलू लिए हैं जो हमने पहले से बॉईल कर लिया है, बॉईल किया हुआ आलू। हमने आलू और मसालों को एक साथ भून लिया, इसमें पानी डाल रहे हैं।
पांच मिनट तक पकने के लिए ढक देंगे ताकि जो हमने पानी डाला है पानी से पक जाए। पांच मिनट हो गए हैं, अब हमारी सब्जी जो है अच्छे से पक गई है, देखिए एकदम अच्छे से पक गई है। तो हम इसमें डाल रहे हैं धनिया जो हमने बारीक कट कर लिए हैं। हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं दूसरी स्टेप की तरफ। तो देखिए दो घंटे हो गए हैं, जो हमने बैटर पीस के रखा था वो अच्छे से एकदम अच्छे से फूल गया है, एकदम स्मूथ हमने पीसा है। इसमें इसी बात का ध्यान देना है कि इस बैटर को एकदम स्मूथ पीसना है, बिल्कुल दरदरा नहीं होना चाहिए। और इसमें हम मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर आधी चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, बारीक कटी हुई धनिया। हम धनिया डाल रहे हैं, आप चाहते से स्किप कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इन्हें अच्छे से फेंट लिया है और ये जितनी देर तक हम पीस के इसे फूलने के लिए रखेंगे उतने ही अच्छे बनते हैं। मैंने इसे दो घंटे रखे हैं, आप चाहे तो चार पांच छह घंटे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जितने फूलते हैं उतने ही अच्छे और स्पंजी बनते हैं। बिल्कुल स्पंजी और फूले फूले से देखे बने हैं हमारे दूसरा जो है एकदम इस तरह देखिए एकदम फूले फूले से बने हैं, एकदम खुले खुले से। जैसे जैसे पक गए हैं अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ढुसका बनके बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल फूले फूले से बने। तो अब हम चलेंगे प्लेटिंग के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए सबसे पहले हम सब्जी निकालेंगे जो हमने बनाई है। सबसे पहले ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे जरूर ट्राई करिए। तो अब इसके साथ हम रख देंगे जो हमने ढुसका बनाया है, ये झारखंड की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। तो आइए मैं आपको एक ढुसका तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा बना है। देखिए एकदम स्पंजी बने हैं ये, एकदम अच्छे से पक गए हैं।